हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी सुबह का टाइम है, 10:30 का होगा। मैं नहाई पूजा वगैरह की, फिर सोचा कि चलो रेडी होते हैं। अभी मैंने ना करवा माता की चौकी नहीं लगाई है, मैं वो भी लगाऊंगी, लेकिन अभी पहले मैंने सोचा कि पहले मैं तैयार हो जाती हूँ। तैयार मतलब मैंने सूट तो अपना नया डाल लिया है, ये वाला सूट मैंने आप लोगों को दिखाया था, जो कि लिया तो ऐसे ही गया था, ये भी नहीं पता कि ये मैं करवा चौथ पर पहनूंगी, लेकिन पहनना हुआ इस नए सूट का करवा चौथ वाले दिन। तो अभी मैं आपको पूरा सूट दिखाऊंगी। सूट बहुत सुंदर लगा, मतलब जो सिल्क के जो फिटिंग वगैरह है वो सब भी बढ़िया आई। पता है, सूट चाहे महंगा हो सस्ता हो कैसा भी हो, जब उसकी फिटिंग अच्छी आती है, सिलता अच्छा है, तभी वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सूट अच्छा सिला है, पहन के बढ़िया लग रहा था। और फिर यहाँ पे मैं जो है रेडी होने लगी थी, मतलब अपनी चुकटियाँ वगैरह मैं निकाल रही थी, जो नई चुकटियाँ लाई हूँ और आपको भी दिखाऊंगी अभी, क्योंकि देखने का मन होता है कि कैसी चुकटियाँ हैं, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। पहले यहाँ पे मैं अपनी जो चुकटी वगैरह मैं नई लाई थी, और फिर उसके साथ मोती भी लाई थी मैं होई के, तो वो मैं अलग कर रही थी। मैंने कहा उस दिन मेरे दिमाग से ना निकल जाए, कभी मैं अभी तो जल्दबाजी में रख दूँ, बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो अभी मैं अपनी पायल पहन रही हूँ, ये वाली। ये पायल जो है बहुत पुरानी है मेरी, बहुत पुरानी, मतलब 11-12 साल, नहीं 11-12 नहीं, 13 साल हो चुके होंगे, क्योंकि 15 साल तो शादी को ही हो जाएंगे। यार 15 साल शादी को, है ना, ऐसे लगता है अभी की बात थी और 15 साल हो जाएंगे। बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, टाइम ऐसे लगता है, कभी कभी लगता है ऐसा कि यार भाग रहा है टाइम, कभी कभी लगता है कि नहीं, जैसे बैठे हुए हैं तो ऐसे लगता है यार टाइम कट क्यों नहीं रहा, जैसे हम किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। अभी परसों 3 तारीख का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, क्योंकि 3 तारीख मैं मतलब कब से सोच रही थी, पिछले 1.5-2 महीने से। तो मुझे ऐसे लग रहा है यार 3 नवंबर कब आएगी, कब आएगी, है ना। अब फिर क्या है, जैसे करवा चौथ है, पूरा साल वेट किया, ऐसे लग रहा है आके चला जाएगा अब, और 3 तारीख ऐसे लग रही है जैसे कितनी दूर है। तो जो चीज़ हमें चाहिए, जिसका हम वेट कर रहे हैं, वो तो तब लगता है टाइम कट नहीं रहा, एक तरफ देखो तो लगता है यार टाइम भाग रहा है, तो ऐसे होता है आपको भी फील। तो यहाँ पे जो है मैं चुकटियाँ चेंज कर रही हूँ अपनी, एक एक ही लाई थी मैं, दो दो नहीं लाई थी। और यहाँ पे मैं अभी आपको थंबनेल भी निकाल लूँगी, और यहाँ पे मैं इस तरीके से आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखो मुझे क्या मिला है। अभी मैं आपको दिखाऊँगी ओपन करके, पर मेरे को एकदम से लगा कि चलो मैं थंबनेल भी निकाल लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि देखो एक यार यूट्यूबर का एक थंबनेल वगैरह का टाइटल वगैरह का रहता है, वरना कई बार मैं क्या होता है पूरे देखती रहती हूँ मैं क्या थंबनेल रखूँ, क्योंकि देखो वो थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, तो थोड़ा सा होता है कि पब्लिक आपकी तरफ आती है। आप लोग तो देखेंगे ही, जो न्यू ऑडियंस है उनको अट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो चलो मैं चुकटी वगैरह पहनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ क्या मिला है मुझे। चुकटियाँ आपको मैंने दिखा दी हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ गोल्ड की रिंग। सूट दिखाऊंगी अपना, अभी नया सूट पहना है, देख आप कई बार चुके हैं। अभी ना मैंने ये लिक्विड वाला सिंदूर लगा लिया, क्योंकि सूखा सिंदूर ना फिर झड़ता है, तो इस तरीके से मुझे ना लिक्विड वाला सिंदूर बिल्कुल ना लगा लूंगी, लेकिन मुझे ज़्यादातर सूखा सिंदूर पसंद है। तो ये वाली पिछले साल वाली शायद करवा चौथ वाली ही रिंग है जो मैंने पहनी है। बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आई थी, मेरी तरह कुछ लोगों को पसंद आई थी, किसी ने बोला था ओल्ड फैशन है, चॉइस अच्छी नहीं है, ये वो। अब मैं बताती हूँ, जो रिंग मैं आपकी बार लेकर आई हूँ वो मुझे बहुत पसंद है, मुझे पिछली बार भी इस तरह की रिंग बहुत पसंद आई थी, लेकिन इस तरह की रिंग में क्या होता है कि गोल्ड का चक्कर रहता है। ये रिंग है, ये पूरी गोल्ड की है, जब आप इसको रिटर्न करने जाओगे तो इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो हमने पिछले साल ली, मेरे ख्याल से इस साल भी ये सेम चली जाएगी उतने भाव में, लेकिन जब हम इस तरह की रिंग लेते हैं, दिखाऊं कौन सी है, दिखाऊं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, छोटी सी प्यारी सी, सबको पसंद आएगी, सबको। कुछ 1% लोग होंगे जिनमें हो सकता है नहीं भी पसंद आए, मैं ये नहीं कहूंगी। तो चलो मैं दिखाती हूँ, ये रिंग है जो कि मुझे लगता है सबको आपको पसंद आएगी। सुबह के 10 बज रहे हैं, 10:15 भी हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से हम रेडी हो रहे हैं, तो हमने चेक ही नहीं किया क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं। तो इस तरीके से है, ये डायमंड की नहीं है, ये जरकन जो होता है उसकी है। डायमंड की बोल रहे थे विपिन की, डायमंड की ले ले, तो वो बोलने लगे फिर आप अपने डिज़ाइन की बनवाना चाहो तो बनवा सकते हो। तो फिर मेरे पता नहीं मन में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ चल रही थी, मैंने उनसे पूछा डायमंड का क्या रहता है, रिटर्न का क्या रहता है डायमंड का, क्योंकि अभी जिस एज पे हम हैं, गृहस्थी में है फुल, तो हमें सारी चीजें सोच के चलनी पड़ती है।
हाँ, मेरे को भी इस तरह की चीजें लुभाती हैं, चाहे वो गले के लिए हो चाहे वो कानों के लिए हो, लेकिन जब हम इनको रिटर्न करने जाते हैं ना, कुछ भी रिटर्न में नहीं जाती हैं और सारी चीजें आगे तक की भी देख के चलनी पड़ती हैं। तो इस वजह से तो विपिन आ गए हैं, अभी ये भी नहाएंगे और जाएंगे कि ऊपर रखा और उसको ओपन कराओ, फिर मैं आ रही हूँ, कुछ लोगों की वो निकल रहे हैं आज कोरियर, उनके लिए जा लेना। तो ये अच्छी लग रही है ना, देखो लूज है, मुझे इसमें भी लूज है, इसमें पहनती हूँ शायद, इसमें ठीक आएगी। हाँ, और ये मैंने एक और निकाली थी, इसमें वो वाली पहन लेती हूँ, ये वाली धागे लगाए हुए ना, धागा दूसरी उंगली के हिसाब से लगाया हुआ है। चलो इसमें पहन लेते हैं, इसमें भी कुछ होना चाहिए, ज़्यादा रिंग नहीं पहनूंगी, फिर काम नहीं होता, फिर मैं निकाल देती हूँ। अच्छा लगता है, मेहंदी मेहंदी वाले हाथ, चूड़ियों वाले हाथ, तैयार होना। नहीं, आ चुकी है, वो अपना काम करने में लग गई है। और ये इयर रिंग्स मैंने यही पहन लिए हैं, बाद में साड़ी के साथ चेंज करूँगी मैं। और अभी मैंने बड़ी बिंदी नहीं लगाई, छोटी सी लगाई है, क्योंकि जब मैं साड़ी के साथ बड़ी बिंदी लगाऊंगी ना, तो फिर थोड़ा सा अलग लगेगा। अगर मैं अभी भी बड़ी बिंदी लगा लेती, फिर मैं तब भी बड़ी बिंदी लगाती, तो थोड़ा सा चेंज ना आता। तो थोड़े से चेंज के लिए, पता नहीं जो आएगा नहीं आएगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, उसके मैंने ये लगा ली है। और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबने मुझे बताया, हमें गिफ्ट में किसी ने बताया हार मिला है, किसी ने एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया हुआ था कि मेरे पति ने तो मुझे घर बनवा के दिया है, तो बहुत ही अच्छा लगा था। और अगर वो ये वीडियो भी देख रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके न्यू घर के लिए। बाकी किसी को कंगन मिले हैं, किसी को हार मिला है, किसी को ये सारी चीजें ना, ये हम औरतें क्यों करती हैं, हम इसलिए नहीं करते कि हमें ये मिल रहा है, करवा चौथ का व्रत है, ये वो, नहीं, ये हम कहीं ना कहीं अपने कल के लिए सोच के चलते हैं कि ये चीजें मिल रही हैं तो हमारा कल इनसे बचत ही हो रही है, एक तरीके से ये रखी ही जाएगी। हम औरतें कोई दे थोड़ी आते हैं किसी को, है ना। तो ये सब चीजें तो सिर्फ एक तौर पे सेविंग्स के लिए हो जाती हैं, कि कल का थोड़ा सा वो हो जाता है। तो अब मैं जो है थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, सजना सवरना मेरा हो चुका है। सूट मैंने आपको अपना नहीं दिखाया, मैं सूट दिखाती हूँ, वैसे देख रहे हो आप वीडियो में, पर फिर भी थोड़ा सा दूर से करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा दूर में करके ना, यहाँ से करूँगी दूर, वहाँ से लाइट का बहुत वो आएगा, दिखेगा ही नहीं। थोड़ा सा कैमरा नीचे करूँगी, शायद अब दिखेगा। ये मेरा पूरा सूट है, काफी मतलब प्लेन ही है, जैसा प्रिंट ही आ रहा है, बैक प्लेन है। और ये है, ये कल मैंने सूट आज ही पहना है, पहली बार कोरा सूट है। करवा चौथ पे मेरा मन कहता है मैं कोरा ही सूट पहनूं, चाहे मैं साड़ी पहन लूं पहले की भी, ऐसा नहीं है, मैं पहले की भी पहन लेती हूँ, पर सूट का मन होता है। और सूट काफी सुंदर लग रहा है, और सूट कहाँ से है, सारे सूट रश्मि कलेक्शन से ही होते हैं। तो चलिए जी, हम हो चुके हैं रेडी, आप लोग भी हो गए होंगे इस टाइम पे जब, हाँ, ये कल वीडियो आप देखोगे तो कल तो फिर हम तैयारी करेंगे होई की, क्योंकि होई का व्रत भी करवा चौथ से 4-5 दिन बाद आता है। तो चलो अब काम कर लेते हैं, बहुत हो गए इतराना सजना सवरना। तो त्यौहार हो या घर में कोई भी फंक्शन हो, औरतों के लिए तो काम होता ही है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। खैर वैसा काम तो मुझे नहीं है, क्योंकि वो वाला काम तो नेहा कर लेंगी, लेकिन थोड़ा समेटने का, थोड़ा चीज़ें जो जहाँ पर होती हैं उनको वहाँ रखने का काम तो है ही। तो यहाँ पे पहले मैं ये टिफ़िन दिखाने लगी थी कि टूटा कहाँ से है इस बार ये टिफ़िन, तो ये टूट चुका है, तो इस वजह से नया टिफ़िन आया है, जो कि आप डाइनिंग पर रखा हुआ देख रहे हैं, ये वाला। मैंने बोला तो था इनको स्टील का, पर ये ले आए, और जब आदमी से वापस करने की बात बोलो तो आपको पता ही है क्या हाल होता है, या तो बहस होगी या फिर आपको वो चीज़ रखनी पड़ेगी। तो मैंने भी रख ली, मैंने कहा ठीक है। वैसे तो मैंने एक दो बार इनको बोला, ये कहने लगे कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पहले मैं चीज़ें लेके आऊँ फिर वापस करके आऊँ, और जब मैं बोलूँ कि मुझे जाना है लेने, तो नहीं कोई बात नहीं मैं ले आऊँगा, ये इनका रहता है। और इसी चीज़ में ना हम लोगों की फिर ऐसे बहस हो जाती है कि बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, कि मतलब होता है ना फिर एकदम से खुंदक आ जाती है, गुस्सा चढ़ जाता है कि नहीं मैं चली जाऊंगी, या इसीलिए मेरे को यहाँ नहीं रहना होता है, मैं कह मतलब क्योंकि मैं इनको बोल देती हूँ कि यार देखो अगर मैं मेन मार्केट से हूँ या हरबतपुर में घर है या विकास नगर में, तो वहाँ से मैं ईजीली जा सकती हूँ, हालांकि इस घर को छोड़ना तो मेरे को भी मतलब नहीं है, लेकिन ये ताना सा मार देती हूँ मैं इनको।
तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये सेटिंग करने लगी हूँ, सोफ़ा वगैरह सेट कर दूंगी। हमने सोफ़ा इधर कर लिया था, आप लोगों को याद होगा, एक हफ्ते पहले जब सफाइयाँ चल रही थी। सफाई तो अभी भी थोड़ी थोड़ी बाकी है, लेकिन अभी दिवाली में टाइम है तो कर लेंगे, थोड़ी डेकोरेशन भी करेंगे। सफाई क्या, बरामदे वाली जो टाइल्स है ना, इन पर अभी तक पोंछा जो कपड़ा मारते हैं वो नहीं मारा है, तो वो लगेगा। और थोड़ी सी जो हमें डेकोरेशन करनी होगी, और पता है अभी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी बच रही हैं, जैसे खिड़कियों के शीशे रह गए हैं, दरवाजे रह गए हैं, स्विच बोर्ड रह गए हैं, ये सब कुछ साफ है, लेकिन ये है ना कि सफाई हो रही है, तो चलो एक एक बार इन पे भी कपड़ा लग जाएगा। तो देखती हूँ अब एक आध दिन में मारती हूँ कि नहीं मारती हूँ, टाइम के हिसाब से रहता है, क्योंकि मेरा टाइम थोड़ा सा कहीं और चीज़ों पर भी जाता है, तो वो काम भी देखना है, ये काम भी देखना है, तो उस तरीके से चलते हैं मैनेज करके, जब जिस काम के लिए टाइम मिल जाए। मैंने ना कानों के इयररिंग्स उतार दिए हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, और फिर अभी पहन ली है साड़ी के साथ, तो मैंने उतार दी। ऊपर से मुझे किचन में आना था कुछ काम करने के लिए, ये छोले भिगो के रखे हैं शाम के लिए, ये गैस और पाइप चेंज हो चुका है, पाइप तो उसी दिन चेंज हो गया था। कुछ कमेंट आ रहे थे ना कि पाइप चेंज नहीं किया तुमने, ये वो पाइप तो लग ही नहीं सकता था अब, क्योंकि उसमें तो छेद हो चुका था, इतना बड़ा छेद जो मैंने दिखाया था, इतना बड़ा छेद, तो वो कैसे लगता, वो तो उसी दिन चेंज हो गया था। कुछ लोग पूछ रहे थे क्या किया था, विपिन यही थे, तो सबसे पहले उन्होंने नीचे से रेगुलेटर बंद कर दिया था, उसके बाद जो है दूसरा पाइप आया, उनके फ्रेंड मार्केट में, तो उन्होंने उन्हें फ़ोन किया, तो उन्होंने उनको बोल दिया कि यार पाइप लेता ही हो, अगर वो ना होते मार्केट में तो विपिन खुद जाते, तो फिर उन्होंने जो है आधे पौन घंटे बाद पाइप आ गया था, वो चेंज कर दिया था उसी दिन ये वाला। और अभी जो है दूध ठंडा हो चुका है, कुछ सब्जी है जो मैं काट के रख देती हूँ, अभी तो ठीक रहेगा। कुछ सामान है जो रात में मैंने विपिन से मंगाया था, और मेरा जितना भी राशन का सामान होता है वो मैं अनिरुद्ध से लेती हूँ, जो लोग लोकल से हैं वो लोग अनिरुद्ध को जानते ही होंगे, जहाँ से मैं बात कर रही हूँ उनका सामान मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और जो वो अंकल है ना, उनका जो स्वभाव है वो तो बहुत ही बेस्ट है, मैं वहाँ पर जाती ही अंकल के स्वभाव की वजह से हूँ, और विपिन भी। तो यहाँ पे बस मैं जो है सामान सेट किया पहले, जो जहाँ का था वहाँ रखा, और पता है ये टुकड़े में तीसरी या चौथी बार हमारे घर में सामान आ रहा है राशन का, अभी भी दालें वगैरह सब खत्म हो गई थी, तो फिर मैंने विपिन को लिखी। वैसे मेरा मन था कि अब मैं खुद जाऊँ, तो दालें आई, तेल रिफाइंड आया, और इससे पहले अभी हफ्ता भर पहले शायद जो है नमक मिर्च मसाले साबुन ये सब आया, और उससे पहले भी इस तरह से चीज़ें आई, दालें तो बीच में एक आधा पैकेट उस टाइम भी आया, क्योंकि जो बारीक दाल होती है ना मसूर की, वो लग जाती है, तो वो फिर मंगानी पड़ जाती है बीच बीच में, मैं सामने से भी मंगा लेती हूँ, फिर सामने नहीं मिलती, या विपिन बोलते हैं यार ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो तुम एक बार बोल देती ये वो, तो फिर वो ले आते हैं। तो यहाँ पे बस मैं सामान सेट कर रही थी सारा, स्टील के डब्बे हैं ये मेरे। और हाँ, इससे मुझे याद आया कि कुछ लोग जो हमारी परवाह करते हैं या उनको, तो वो टोक देते हैं, उनका टोकना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि रश्मि प्लास्टिक के बर्तन क्यों यूज़ करती हो, गूगल सर्च करो प्लास्टिक कितना नुकसान देता है, एल्युमिनियम क्यों यूज़ करती हो, या तो मिट्टी के बर्तन यूज़ करो, मिट्टी के नहीं कर सकते स्टील के करो, स्टील के नहीं कर सकते कांच के कर लो, लेकिन रश्मि प्लीज़। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को मेरी फिक्र है, तो इस तरीके से पता है मैंने क्या सोचा है, इसी साल से मैंने सोच लिया था अभी 3-4 महीने पहले से कि मैं प्लास्टिक का कहीं भी जाऊँगी ना, प्लास्टिक का मुझे कुछ ही नहीं खरीदना। अब एक साथ तो सारी चीज़ों को हटाना और बदलना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे लोग बोल देते हैं रश्मि कितना कमाती हो, भैया कितना कमाते हैं, तो चेंज कर लो एक साथ, क्या दिक्कत है, क्यों कंजूसी, लेकिन यार नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है एक साथ ना सब कुछ चेंज वेंज, थोड़ा सा रह जाता है चीज़ें ना। अब पता है क्या है, अगर कमाने वाले दो हैं, अच्छा कमा रहे हैं, तो खर्चे भी तो हैं उसी हिसाब से, तो फिर सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैं जो है धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। अब जब भी मैं मार्केट से कोई डब्बा लाऊंगी तो या तो वो स्टील का हुआ करेगा और या फिर वो कांच का होगा। बीच में मैं लाई भी थी, वो मैं स्टील का ही लेकर आई थी, मैंने प्लास्टिक का खरीदा ही नहीं है। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये चीज़ें कम ही हो जाएंगी, अपने आप बदल जाएंगी। सब्जी काटने लगी थी, सामान वगैरह सेट हो गया है, और मटर और धनिया तो कल कर दिया था इन दोनों ने, बाकी ये कुछ सब्जी है जैसे बीन्स है, गाजर है, गोभी भी है, तो वो मैं अभी जो है कट करके रख दूंगी। शाम के टाइम में ये सारी चीज़ें करो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं। कुछ लोग तो क्या करते हैं, दोपहर से ही जो है खाना बनाना शुरू कर देते हैं, मैं शाम से ही करूँगी।
हाँ, तैयारी में बहुत सारी दोपहर के टाइम में करके रख देती हूँ। सब्जियों का हो गया, या फिर चावल साफ करके रखना हो गया, या फिर जैसे कुछ चीज़ें काट पीट के रखनी है, सब्जी वगैरह, वो काट पीट के रख दी। आराम हो जाता है इस तरीके से सेटिंग करके चलने से। तो मेरी ये काफ़ी पुरानी आदत है, शाम को जैसे कुछ है घर में, त्यौहार हो या कोई फंक्शन हो, तो मैं इस तरीके से करके चलती हूँ कि हाँ यार शाम को फिर कम काम हो। तो यहाँ पे ये सब्जी वगैरह जितनी भी मुझे काट करके रखनी है, मैं सारी काट करके रख दूंगी। फिर मैं ये देखूंगी कि बच्चों के लिए क्या बनेगा, क्या फ्रिज में रखा है, फिर उनके लिए वो बनाऊंगी। खुशी का हो सकता है कि आज वो जल्दी आ जाए, जो उसकी एक क्लास लेट लगती है 2:30 बजे वाली, वो शायद उसको ना ले, तो देखते हैं कैसे रहता है। और जो गुड्डू तन्मय का है वो तो आ ही जाएंगे 2:45 या 3 बजे तक। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी फिर करवा माता की चौकी फ़ोटो वगैरह लगाने के लिए। ये जो व्लॉग है आपको दो पार्ट में मिलेगा, ये करवा चौथ वाले दिन का, एक आज और एक कल। तो चलो कल